एक मई को विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर श्रम संगठनों, विद्युत मजदूर पंचायत, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बुधवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मजदूर दिवस मनाया। कॉमरेड अविनाश पांडे ने कहा कि दुनिया में एक साथ मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व, जिसे हम मई दिवस के नाम से भी जानते हैं, इसके पीछे एक घटना है, इतिहास है, कुर्बानियां हैं। कार्यक्रम में जगदीश पांडे, डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, राकेश कुमार श्रीवास्तव, संजय दुबे, अखिलेश उपाध्याय, यूसुफ जमाल, इस्माइल खान, धीरेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, राममूर्ति सिंह सहित श्रम संगठनों के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विद्युत मजदूर पंचायत के क्षेत्रीय सचिव संदीप कुमार श्रीवास्तव और कॉमरेड अश्वनी पांडे ने कहा, ऑफिस वाला, फैक्ट्री वाला, फैक्ट्री वाला, किसान वाला, मजदूर एक हो, 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 सारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर, समंदर भी आएगा यो थक कर न बैठ जाए मंजिल के मुसाफिर, एक मंजिल भी मिलेगी और उसका मजा भी आएगा, उसका मजा भी आएगा। संदीप श्रीवास्तव, क्षेत्रीय सचिव विद्युत मजदूर पंचायत गोरखपुर। मजदूर दिवस हम लोग अमर जो हमारे शहीद मजदूर हुए हैं उन्हीं के रूप में मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जाता है। अमेरिका के शिकागो के शहर में मजदूरों के धर्मात्मक रूप अपना करके वहां की सरकार ने लाखों मजदूरों को गोलियाँ चलवाई बरसाई, उसी दिन से जो है काम के घंटे 8 तय करने के लिए ये सब किया गया था। मजदूर जो है पहले 18 से 20 घंटे काम कराया जाता था, तो जब उन्होंने गोलियां चलवाई तो तय कर दिया गया, फिर दुनिया के मजदूरों को एक करने का काम किया गया। आज भी दुनिया के मजदूर एक होने का नारा चलता है। मजदूर दिवस आज 1 तारीख को हम लोग नगर निगम में इकट्ठा हुए हैं, तमाम केंद्र श्रम संगठन हमारे साथ हैं, हम लोग इसी दिवस से उपलक्ष्य में मजदूर दिवस मना रहे हैं। आज दुनिया में एक साथ मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व, जिसे हम मई दिवस के नाम से जानते हैं, इस मई दिवस के पीछे एक घटना है, इतिहास है, कुर्बानियां हैं। पहले यूरोप के इलाके में जहां सबसे पहले मजदूरी और डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, वहां मजदूरों का शोषण अथाह होता था। दिन रात मजदूर काम करता था, काम का कोई निर्धारण नहीं था, वेतन का कोई निर्धारण नहीं था, पगार का कोई निर्धारण नहीं था। फिर वहाँ मजदूरों ने आपस में धीरे धीरे करके संगठन बनाने का, छोटा छोटा संगठन ये 1870 से ही बनाना शुरू किया, और आते आते तब तक उधर पूरे पूर्वी यूरोप में मार्क्स और एंजल्स का मजदूरों को संघ श्रम शक्ति के बारे में जानकारी देने की सारी चीज़ें फैल चुकी थी। आज के इसको मनाने के कारण है कि 1886 में 1 मई को शिकागो में वहाँ के इंडस्ट्रियल इलाके में वहाँ के मजदूरों ने एक रैली निकाली, और रैली निकालने के बाद अपने शोषण के लिए, अपने काम के घंटे के निर्धारण के लिए, अपने वेतन पगार के लिए, ये सब काम उसने डीसी डिमांड के साथ वहाँ रैली निकाली। और इस रैली में वहाँ के बर्बर प्रशासन ने, पूंजीपतियों ने, उनके गुंडों ने, चौकीदारों ने इन पर पिटाई करनी शुरू की। 2 मई को एक और रैली निकाली गई, 3 मई को एक और रैली निकाली गई, लेकिन 4 मई को इतनी भयंकर और विशाल रैली निकली कि शिकागो की सड़कें एकदम मजदूरों से भर गई। रात का समय था, 8-9 बजे का समय था, उस हुकूमत ने तड़ातड़ गोलियां चलवाना शुरू की और लाख लाख मजदूर उस प्रदर्शन में थे। सैकड़ों की हत्या हो गई, अनगिनत लोगों की हत्या हो गई और पूरी सड़कें लाल हो गई। ये जो आज की तारीख में हम लाल झंडा देखते हैं, पहले मजदूरों का शांति का प्रतीक सफ़ेद झंडा था, उनके खून से रंग करके आज लाल झंडा हुआ। और उसके बाद फिर 1890 में एक सम्मेलन करके सारे लोगों ने तय कर दिया कि इस 1 मई 1886 की घटना को अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएंगे और पूरे देश में मजदूरों को संगठित करने का काम करेंगे।